हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मम्मी बनाने वाली है पनीर कोरमा। हम लोग की फरमाइश पे ही बनता है क्योंकि सिंपल सी रेसिपी और इतनी टेस्टी बनती है और बहुत ही इजी है, 5 मिनट में बन के तैयार हो जाती है। तो ये मम्मी ने कढ़ाई में देसी घी डाल दिया है, ये गर्म हो रहा है, तब तक मैं आपको बाकी के इन्ग्रीडियंट्स दिखा देती हूँ। तो यहाँ मम्मी ने ले लिया ये बारीक कटा हुआ प्याज, और ये लिए आधी बोल दही, और ये लिया है यहाँ पे धनिया, और ये ली है मलाई। मलाई इतनी ज़्यादा नहीं पड़ेगी, बस लेके रखी है, हाफ बोल के करीब तो पड़नी है लेकिन। और ये लिया है पनीर क्यूब्स। तो मसालों में क्या क्या पड़ना है देखो, बहुत सिंपल सी रेसिपी है। सिर्फ इलायची डाली है मम्मी ने खुशबू के लिए, एक अलग ही फ्लेवर, एक अलग ही खुशबू आती है। और अब डाल देंगे प्याज। तो प्याज को डाल के इसको हमें हल्का हल्का फ्राई कर लेना है। तो डालने को तो हम प्याज का पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि पेस्ट पकने में टाइम लेता है, और उसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि वो पकेगा, उसको अच्छे से पकाएंगे तो उसका कलर चेंज होने होना है। अगर आपको वाइट ग्रेवी चाहिए तो इस तरह से प्याज लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। इसको हल्का सा गला लेना है इस तरह से, जैसे कर लिया हमने ट्रांसलूसेंट सा। और उसके बाद हमने ये ऐड कर दिया है पनीर। कोई भी मिर्च मसाले नहीं पड़ने हैं, सिंपल सी रेसिपी है देखिए। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे दही। ये दही अभी मम्मी ने थोड़ा सा ऐड किया है, हाफ बोल लिया है ना, तो 2-4 चम्मच ही अभी ऐड किया है इसमें। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दही मलाई ये जो पड़ता है, इसी वजह से ये वाइट वाइट ग्रेवी रहती है और बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आता है ग्रेवी में। ये मम्मी ने ऐड करती है मलाई। तो मैंने पनीर कितना लिया है, मलाई कितनी ली है, और दही कितना लिया है, और बाकी सारे जो भी थोड़ा बहुत भी मसाला जो पड़ा है वो कितना कितना लिया है, तो इंग्रेडिएंट्स और उनकी क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे नमक। ये देखिए थोड़ा सा नमक ऐड किया है, ज़्यादा नहीं। और अब इसको अच्छे से स्टर कर लेना है। तो अब इसमें मम्मी ऐड करेंगी थोड़ी सी चीनी। चीनी और नमक का कॉम्बिनेशन ऐसा होता है कि जिस भी चीज़ में डालो तो टेस्ट एनहेंस होके आता है, बट हाँ क्वांटिटी बहुत ज़रूरी है दोनों चीज़ों की, कि कितना कितना क्या क्या डालना है। जो चीज़ नमकीन है उसमें आप बहुत सारी चीनी डाल दोगे तो वो बेकार हो जाएगी, इसलिए क्वांटिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये मम्मी ने डाल दिया है काली मिर्च पाउडर, और अब डाल रही हैं ये कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी और काली मिर्च पाउडर डालने के बाद इसको अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। कोई मसाले नहीं पड़े हैं इसमें, कोई भी मिर्च नहीं है, सिर्फ काली मिर्च का थोड़ा सा जो तीखापन होगा वो होगा। बच्चों को ये बहुत अच्छी लगती है, तो बना के ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी लगी। और बहुत ही सिंपल सी है, हमें जब भी खाना होता है हम मम्मी को यही कहते हैं कि मम्मी कुछ स्पेशल सब्ज़ी बनाओ, तो वो ये बनाती हैं और ये बहुत टेस्टी बनती है। कुछ भी नहीं पड़ता है इसमें, अगर आपके पास मसाले नहीं हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ख़त्म हो गए मसाले। ये वाली सब्ज़ी ट्राई करके देखिए, बहुत अच्छी बनती है। तो ये लगभग बन के तैयार है। और अब हम इसमें ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे गार्निशिंग के लिए। तो ये मम्मी डाल रही हैं धनिया इसमें, और थोड़ा सा ऊपर से काली मिर्च पाउडर और डालेंगे तो उससे फ्रेश टेस्ट आता है बिल्कुल। तो ये काली मिर्च पाउडर डाल दिया ऊपर से, तो ये बनके बिल्कुल रेडी है। और आपको थिक करना है तो थिक कर लीजिए, और ये बहुत सिंपल रेसिपी है, ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।